अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर। दोस्तों, दिसंबर 1998 की एक सर्द रात थी और अलगौर सो रहा था। ख्वाबों का सिलसिला जारी था कि उसने देखा कि वो एक सयारे के ऊपर बैठा है जो जमीन के बहुत करीब है और वो उस जगह से खुली आंख से पूरी जमीन देख सकता है। वो फौरन उठकर सुबह नासा के डायरेक्टर से मिला और उसे ख्वाब सुनाया और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा सैटेलाइट भेजें और जो हमें जमीन की पूरी पिक्चर दिखा सके। दोस्तों, डायरेक्टर ने कहा, हाँ ये मुमकिन है, अगर हमें $100 मिलियन मिल जाएं तो हम 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मज़ीद बात करें, काइंडली अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जमीन की पूरी तस्वीर 1972 में अपोलो ने खींची थी जब वो चांद से जमीन की तरफ वापस आ रहा था, लेकिन वो तस्वीर ज्यादा वाज़े नहीं थी। दोस्तों, सदियों से उस तस्वीर का मुंतजिर है दुनिया, जिससे वो पूरी जमीन को भी देख सके और जमीन पर होने वाली तमाम तब्दीलियों को भी सही तरह से देख सके। दोस्तों, ये ख्वाब अल्बर्ट अलगौर ने देखा था और वो USA के नाइस सदर भी थे। दोस्तों, अलगौर बहुत इस ख्वाब को लेकर बहुत जज्बाती थे। बहरहाल, इन्होंने अपना मंसूबा अप्रूव करवा लिया। दोस्तों, USA गवर्नमेंट ने सैटेलाइट भेजने का फैसला कर लिया और इस मंसूबे को अलगौर सैटेलाइट का नाम दिया गया। दोस्तों, ये मंसूबा मुकम्मल होने में 17 साल लगने का कहा गया, लेकिन 17 साल बाद अलगौर सैटेलाइट एक पॉइंट पर जा रुकेगा जहां से वो पूरी दुनिया की तस्वीर लेकर जमीन मतलब नासा को भिजवा सकती है। दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि इस सैटेलाइट से बनी नौ इंसान को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, ये अलगौर सैटेलाइट कोई आम चीज नहीं है। इससे ये होगा कि एक पॉइंट पर फिक्स होने के बाद अलगौर सैटेलाइट नासा को हर 2 घंटे बाद कुर्रे अर्ज की फोटो भिजवाएगा, जिससे जमीन पर होने वाली तब्दीलियों का मुआवजा किया जा सकेगा। माउंट एवरेस्ट पर बर्फ बरसना जब भी शुरू होगी, साइबेरिया में बादल जब भी चाइना की तरफ बरसेंगे, बहरुल काहिल की मौजों में जब भी इजाफा होगा, जब कोई रेत का टीला करवट बदलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट अमेज़न में जब भी कोई दरख्त कटेगा, या फिर जब भी कोई नया आतिशफिशां एक्टिव होगा, पूरी दुनिया 2 घंटे पहले इस तब्दीली से आगाह हो जाएगी। सो इंसान दुनिया में आने वाली अब जलजले शदीद तूफानों से बचने के लिए पहले ही बंदोबस्त कर लेगा। दोस्तों, ये अलगौर सैटेलाइट इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त साबित होगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस सैटेलाइट को इस्तेमाल करेगा या नहीं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ना, क्योंकि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमारा ईमान अल्लाह पर है। दोस्तों, हमारे मुल्क में 30 साल से सैलाब आ रहे हैं। स्कर्दू से लेकर पंजाब के हर कोने तक सैलाब ही सैलाब हर साल आते हैं, लेकिन हम उसका कोई हल नहीं निकाल सकते। इमारतें तबाह हो जाती हैं, माल मवेशी तबाह हो जाती है, लोग मर जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज तबाह हो जाती हैं, लेकिन हम इसका हल फिलहाल नहीं निकाल पाए। दोस्तों, हमने अपने लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए क्या किया, ये हमें सोचने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको अपने मुल्क के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए। मुझे मोहम्मद बाबर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।